हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज मैं मैनरिंग का एक वीडियो फिर से लेकर आया हूँ, जो कि मैंने कुछ कैटलिया, मतलब ये एक कैटलिया मंगाया था जिसका नाम है कैटलिया फ्री स्प्रिंट। देख सकते हो आप लोग कैटलिया फ्री स्प्रिंट। तो मैं आज का बेसिक वीडियो ये है कि हाउ टू मैनरिंग कैटलिया एंड इसको आप कौन कौन सा इन्ग्रीडियंट डालेंगे और इसको कैसे प्रोपागेट करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने ये इस एक ही प्लांट लिया था, लेकिन इसको अभी के लिए ऐसे थ्री प्लांट्स है, तो मैं इस थ्री प्लांट्स को डिफरेंट साइज के पॉट में अभी मैं इसको मैनेजिंग करने वाला हूँ। तो पहले जो होता है ना, इसका जो बेसिक्स क्या है, ये जितने भी इसके ये डेड रूट्स होता है ना, जो आपको मतलब ये आप जिंदा नहीं होता है ना, उसको ये डैमेज हुआ हुआ और डेड रूट्स को आपको कट कर लेना चाहिए पहले। ऐसे करने से इसको अच्छा रहेगा। तो जितना भी डैमेज्ड रूट है आप इसको कट कर दीजिए अच्छे से। डैमेज और डेड रूट होता है ना, उसको कट कर लेना चाहिए। तो इसके ज़्यादा है तो इसको भी कट कर लेना चाहिए। इसको अच्छे से जितना हो सके आपको इसको अच्छे से कट करके निकाल लेना चाहिए, डैमेज और डेड रूट। तो इसको मैंने कट कर दिया है। इसको कट करने के बाद थोड़ा अच्छा है, कभी ये इतना जितना ये डैमेज्ड और डेड रूट होता है ना, उसको पूरी तरह से कट कर देना चाहिए। ये हो गया। तब जाके इसका न्यू रूट अच्छे से फिर से ग्रोथ कर देगा। तो इसका ये हो गया। तो इसका मेन मैनरिंग मटेरियल क्या क्या है, तो ये ब्रिक्स का जो पीसेस होता है ना, बड़ा बड़ा वाला पीसेस, और ये चारकोल का पीसेस, देखिए आप लोग देख सकते हो, और इसको मिक्स कर लेना चाहिए। ये ऊट का जो पीसेस है ना, उसको छोटा छोटा बना के यूज कर लेना चाहिए। अब इसको मैं सबको मिक्सिंग करके ये थोड़ा सा बार्क्स, जो हार्ड बार्क्स होता है ना, उसको भी आप यूज इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेता हूँ। इसको मिक्स कर लेना चाहिए, मिक्स करके अच्छे से इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैनरिंग का ये मतलब मेरे पास अभी इतना ही है, ये तीन कैटलिया के लिए लगता है काफ़ी होगा। तो देखते चले क्या होता है। मैनरिंग करने के बाद ये मिक्सिंग कंप्लीट हो गया ना, तो अब इसको मैं पॉट में लगाने वाला। तो मिक्सर रेडी हो गया था, अब इसको पहले पॉट में डाल। मिक्सर अच्छे से हो जाने के बाद इसको पॉट में डालना पड़ेगा। तभी मैं इसमें एक ये वाला प्लांट लगाने वाला। तो आपको मेनली देखना पड़ेगा कि अभी इसको कैसे लगाने में सही होगा, इसको इतने में कर लेना चाहिए। ये जो नोट्स है ना, इसको ज़्यादा नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि ये जब सन से हीट मतलब गर्म होगा ना, तभी न्यू शूट्स का इफेक्ट पड़ेगा। तो ज़्यादा नीचे नहीं डालना चाहिए इट्स नोट को इसके ऊपर ही रखना चाहिए। ये मैं ये जो बड़ा बड़ा ब्रिक्स का पीसेस किस लिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसको वाटर मतलब इसमें वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये एक बार डाले तो वाटर अच्छे से चला जाना चाहिए, इसको सिर्फ एक बार अच्छे से भीग जाएगा ना तो सही रहेगा। अगर ज़्यादा इसमें वाटर हो गया और वाटर ब्लॉक हो गया तो कैटलिया मरने का चांसेस ज़्यादा रहता है ना। ये हो गया, देख सकते हो आप। तो अभी इसको कुछ इस तरीके से डाल दिया है मैंने। हो गया।
पूरी तरह से हो गया है। अब इसको एक स्टिक लगा दूंगा जिससे कि ये हिले नहीं और ये इसका रूट को इफेक्ट पड़ेगा ना, ज़्यादा ही हो गया तो। अभी के लिए इसको वन एट अ टाइम, मतलब इसको हिलाना नहीं चाहिए ना, तब इसको अच्छे से बांटना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं बांटने अच्छे से बांधूंगा। तो इसका एक का तो मैंने रिंग हो गया है, अभी ये मैनेजिंग का इंग्रेडिएंट शायद ज़्यादा भी हो जाएगा। तो मैं छोटे छोटे दो पॉट्स में उसमें दो कैकलिया को डालने वाला हूँ, इसमें ये एक डालने वाला हूँ। तो देखिए ये पहले से इसमें फिट हो जाएगा। थोड़ा बेस में कुछ डाल देता हूँ, अभी इतने में ये सही रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से आइज निकल गया है, इसको बाद में लगाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो इसका भी मैनर अच्छे से हो गया है। ये टाइट रखना चाहिए क्योंकि ये हिले नहीं, पानी डालते वक्त ये इसको हिलना नहीं चाहिए ना। तो अभी ये भी अच्छे से टाइट अप हो गया है। अभी थर्ड वन को मैं इसमें डालूंगा, अच्छा रहेगा। अभी आप चारकोल बार्क्स ब्रिक्स का मतलब एक एक करके अच्छे से इसमें लगाना चाहिए, ऐसे करने से अच्छे से माउंट हो जाएगा। मैनरिंग कंप्लीट हो गया, तो क्या क्या को इस तरीके से मैनरिंग करना चाहिए। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। तो ये थ्री कैटलाइज को मैंने अच्छे से माउंट कर लिया है। तो आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।